अडानी ग्रुप पर लगे धोखाधड़ी के आरोप के बीच LIC की चर्चा बहुत की जा रही है। सभी के मन में सवाल है कि आखिर अडानी की कंपनी में LIC का कितना पैसा लगा है, और अगर लगा है तो क्या LIC धारकों का पैसा डूब जाएगा। इन्हीं कुछ सवालों के जवाब आज केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने भागवत कराड़ ने संसद में दिए हैं। दरअसल कराड़ ने BJP के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी द्वारा राज्यसभा में उठाए LIC के मुद्दों पर जवाब दिए हैं। सुशील कुमार मोदी ने अडानी समूह में LIC की हिस्सेदारी के इर्द गिर्द घूमते हुए कई तरह के जवाब मांगे थे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने मंगलवार को संसद को बताया कि इक्विटी और डेट ऋण के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के अडानी समूह की कंपनियों में कुल शेयर पूंजी 35,917.31 करोड़ रुपए है। LIC की एक प्रेस विज्ञप्ति का हवाला देते हुए कराड़ ने कहा कि अडानी समूह की सभी कंपनियों के तहत पिछले कई वर्षों में खरीदी गई इक्विटी का कुल खरीद मूल्य 30,127 करोड़ रुपए है और बाजार मूल्य करीब करीब 30,127 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि दिनांक 27/1/2023 को बाजार बंद होने तक बाजार मूल्य 56,142 करोड़ रुपए था। इसके अलावा दिनांक 30 सितंबर 2022 तक LIC द्वारा कुल प्रबंधन तहत संपत्ति 41.66 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। इसलिए अडानी समूह में निवेश कुल UM की बुक वैल्यू का 0.975% है। बता दें कि इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ सुशील मोदी के एक खास सवाल का जवाब देने में पूरी तरह से विफल रहे। दरअसल सुशील मोदी ने पूछा था कि क्या LIC ने पिछले 3 सालों में अडानी पोर्ट्स में अपनी हिस्सेदारी में 2% की कमी की है। इस पर कराड़ ने जवाब देते हुए कहा कि LIC ने ये भी पुष्टि की है कि उसके निवेश के संबंध में अधिकांश जानकारी सार्वजनिक डोमेन्स में पहले से ही उपलब्ध है। इसके अलावा LIC ने सूचित किया है कि LIC के सभी निवेश बीमा अधिनियम 1938 के वैधानिक ढांचे और IRDA निवेश विनियम 2016 के अनुसार सख्ती से किए जाते हैं और एक विस्तृत शासन तंत्र द्वारा निर्देशित भी है। कुल मिलाकर वित्त राज्य मंत्री ने इस सवाल का जवाब बहुत ही घुमाते फिराते हुए दिया। बहरहाल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह के शेयरों में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। अब देखना होगा इस उतार चढ़ाव का LIC पर क्या असर होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।